क्या होगा, बहुत आसान था। चलो ये कहता है फोर्स और देखो ये वर्क एनर्जी पावर में, प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है कई बार आया है, ठीक है। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उसका एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है वर्क डन, ठीक ना। तो एरिया अंडर द कर्व मतलब ये वाला जो एरिया है वो पूरा, दिस एरिया रिप्रेजेंट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। यहां तक फोर्स कॉन्स्टेंट था, इसके बाद फोर्स वेरिएबल लगा है। तो कैसे लगा मुझे इसे मतलब नहीं है, बट हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट है 0 to 6 meters, तो इसका जो एरिया आ जाएगा, एरिया एरिया ही इसका क्या देता है, वर्क डन देता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अंडर द एरिया हो जाएगा हाफ। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितना है 6 plus 3 सम ऑफ द पैरेलल साइड और मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट अपॉन 3, ठीक है। तो यह जाएगा 9 और मल्टीप्लाइड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2, 9 3 27 अपॉन 2, ठीक है। तो यह जाएगा 13.5 जूल, ठीक है ना। तो 13.5 जूल दैट इज द वर्क डन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। एरिया अंडर द कर्व वर्क डन निकालना, इस एरिया को दो पार्ट में भी निकाल सकते हो,